हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ शुभ की दुनिया। अभी हम लोग इंदौर क्रॉस करके उज्जैन पहुंच गए हैं। अभी बज रहे हैं 11 और अभी सब लोग खाना वीना खाएंगे, उसके बाद भैरव बाबा का भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे शुभ के पापा और शुभ यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। कैसा है खाना? टेस्टी है? हैं सही है, घी वाली रोटी मस्त है। हम लोग उज्जैन पहुँच गए हैं इंदौर क्रॉस करके और अभी हम लोग जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल अभी खाना पीना खाने के लिए रुके हैं सभी। मैं और अदिति तो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग का फास्ट है। बहुत अच्छा दिन है, मंडे का दिन है और शिव जी का दर्शन करने मिल रहा है। तो शुभ के पापा और ड्राइवर भैया ये लोग खाना खाएंगे और साइड में एक शॉप है, वहाँ पर कुर्ती मिलेगी। कुर्ती मेरे पास कम पड़ रही है तो वहाँ हम लोग जाएँगे और ले लेंगे इन लोग के खाना खाते तक के। और जहाँ जहाँ हम लोग जाएँगे आप लोग को भी वहीं पर ले चलेंगे। तो चलो हम लोग पहुँचे हैं शांतिपनी आश्रम और यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। कितनी अच्छी जगह है, आश्रम भी ऐसे सुंदर होते थे पुराने समय में। बहुत सुंदर जगह, हर जगह पे फ़ोटो खींचने का वीडियो लेने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। यह है सुदामा बलराम विद्यास्थल, 14 विद्याओं की कला दीर्घा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 14 तरह की विद्याएं सीखी। बाप रे बहुत गर्म है, देखिए कितना गर्म है। कृष्ण जी ने यहाँ पे सुदामा के साथ में संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, इंद्र सर्व प्रधान देवता, अग्नि प्रधान, अच्छा ये 14 विद्याओं का पूरा डिटेल दिया गया है। वहाँ पुराण, उसके बाद क्या है, ये क्या है, तर्क, मीमांसा तर्क, अच्छा कल्प, निरुवत, एटिमोलॉजी, व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र, शिक्षा, आयुर्वेद प्रधान, ये सारी विद्याएं यहाँ पे कृष्ण जी ने सीखे हैं। शिक्षाएं जो है श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे लिए हैं सुदामा और श्री कृष्ण जी ने। और ये आश्रम है शांतिपनी आश्रम, यहाँ पे सुदामा श्री कृष्ण रह के अपनी पूरी शिक्षा यहाँ पे पूरी की है, जो मैंने बताया है सब कुछ, जो है अग्नि प्रधान, सर्वप्रधान देवता इंद्र और पुराण, ये सब सारी शिक्षाएं जो है ना यहाँ पे कृष्णा जी ने लिया सुदामा के साथ में। यहाँ पे 84 बैठक स्थल है, यहाँ पे सारे जो है छोटे छोटे जो बताया गया है 84 बैठक स्थल है। यहाँ पे गुरु जी का, प्रभु श्री कृष्ण जी का स्थल है जहाँ पे वो विराजमान होते थे। शांतिपनी आश्रम से सीधे भैरवनाथ मंदिर में आए हैं। बहुत गर्मी है, 15-20 मिनट से कंटिन्यू चली रहा है, फिर भी अभी भी मंदिर के सामने नहीं पहुँचे हम लोग। भीड़ देखिए कितनी है। और ये जो कलरफुल धागे दिख रहे हैं ना, लोग मन्नत करके यहाँ पे बांध के गए हैं ये धागे। और भीड़ देखिए कितनी है, बहुत गर्मी है और सब नंगे पैर चल रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। अभी आए हैं काल भैरव मंदिर में, काल भैरव जी का दर्शन करते हैं फिर जाते हैं होटल में। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है मन ही मन अंदर से, पर गर्मी इतनी है, नीचे नंगे पैर हम लोग आए हैं और पूरा गर्म हो रखा है, शुभ परेशान हो रहा है, पर जो भी है भगवान के नाम से इतना तो कर सही सकते। 2 पोर्शन है, एक तरफ से जेंट्स लोग जाएंगे, एक तरफ से लेडीज लोग, और हम लोग ये लाइन से हैं, शुक्के पापा लोग वो लाइन से। हमने भैरवनाथ का दर्शन कर लिया है और अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास क्योंकि नंगे पैर आए हैं। गाड़ी में बैठेंगे और फिर चप्पल लेंगे जहाँ पे चप्पल रखा हुआ है, क्योंकि नंगे पैर वहाँ तक शुभ को लेके और अदिति को लेके नहीं जा पाएंगे। तो हमने दर्शन कर लिया है भैरवनाथ जी का, शिव जी के कई सारे रूप है, उसमें से एक है भैरवनाथ जी, उनका दर्शन हमने कर लिया है। सो हम लोग रूम में एंटर कर चुके हैं। रूम का जल्दी से आपको एक टूर दे देती हूँ, छोटा सा रूम है, रात भर ही रुकना है। वैसे भी 7 बजे हम लोग को दर्शन करने जाना है और फिर दर्शन करके आएंगे, रात भर सोएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग फिर से हम लोग को जाना है दर्शन करने के लिए। तो जैसे तैसे हम लोग ने स्टेशन के पास रूम ले लिया और कल शाम की हमारी ट्रेन है, तो दिन भर में घूम के शाम को हम लोग चेकआउट करके निकल जाएंगे। तो रूम का टूर आपको दे देते हैं। एंटर करते ही ये रहा रूम, ये 2 बेड लगे हुए हैं रूम में और यहाँ पर कबर्ड है, टीवी है जो कि बंद है, एसी है, यहाँ वॉशरूम है और खिड़की के बाहर आपको पूरा बाहर का नज़ारा दिखेगा। तो ये है छोटा सा रूम, घुसते साथ साथ ही ख़त्म हो गया है सामान, ये सब हम लोगों ने रख लिया, अब सोएंगे।
फ्रेश होके सो जाते हैं क्योंकि रात में खाली 2 घंटे ही सोए हैं। वैसे तो रास्ते में 4-5 घंटे हम लोग को लग गए, तो वहाँ हम लोग सो लिए थे गाड़ी में ही, पर अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर 7 बजे निकलेंगे। वैसे अभी कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, अभी सो जाते हैं उसके बाद फिर 7 बजे उठ के जाएंगे। हम लोग आए हैं अभी चाय पीने के लिए, तो फिलहाल चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर दर्शन के लिए जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:30, चाय पी लेते हैं सबके सब। इतना कम दिया, भर के नहीं दिया है? कैसी है चाय? मस्त है, अच्छी लगी, अच्छी लगी, पर कम पड़ गया है इसका, तो खत्म ही नहीं हुआ। गर्म है, मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया है। चाय बहुत अच्छी है, यहाँ की फेमस चाय है, सभी को पसंद आई है, लाइन लगा के खड़े हैं सब चाय पे। अभी फिलहाल आए हम लोग कॉरिडोर, और इसके अंदर लाइटिंग वाली कोई कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो अंदर जाके देखते हैं। हम लोग की आरती 7 बजे की छूट गई, अभी बज रहे हैं 7:30, मैंने बोला था ना 7:45 बज रहे हैं, तो 10 बजे फिर से आरती होने वाली है, तो 10 बजे की आरती हम लोग देखेंगे ज़रूर। अभी फिलहाल कॉरिडोर में आए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। कहते हैं यहाँ की लाइटिंग फेमस है, तो अंदर जाके देखते हैं कैसी लाइटिंग है। एक एक चीज़ें यहाँ पे इतनी सुंदर बनाई गई हैं, लाइटिंग्स भी इतने सुंदर है कि ये अगर खुद आके आप नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार आइए, काल बाबा भैरव का दर्शन कीजिए, महाकाल जी का दर्शन कीजिए, एक साथ 2 ज्योतिर्लिंग पूरी कर लीजिए, और साथ में ये नज़ारा भी देख लीजिए जो कि इतना सुंदर है। भगवान ने जो 2 आँखें दिया है, बस आपको इन दोनों आँखों में जो कैप्चर करना है आप कर सकते हो और अपने जहन में बिठा के रख सकते हो। यहाँ पे VR में सब आपको देखने मिलेगा, किस तरह से कहाँ से भस्म आरती की तैयारी, कैसे क्या किया जाता है, कैसे होती है भस्म आरती, सब आपको VR में देखने मिलेगा। वैसे तो कल सुबह हम लोग आ ही रहे हैं 4 बजे भस्म आरती देखने के लिए, 15 दिन पहले यहाँ पे बुकिंग करनी होती है, तो हम लोग स्क्रीन में देख लेंगे, पर अभी VR में कैसे क्या होता है, कैसे अभिषेक होता है सब दिखाया जाएगा। कैसा लगा लाइव, नहीं लाइव नहीं, इसमें VR में भस्म आरती देख के बहुत सही, क्या क्या अच्छा लगा, क्या सबसे अच्छा लगा? सब कुछ, गूज़बम्स आ गए थे, गूज़बम्स ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसू आ जाएंगे, एकदम ऐसा लग रहा था ना हमारे पीछे दूसरे लोग खड़े हैं और हम लोग एकदम द्वार पे खड़े होके देख रहे हैं। वी 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 आई कॉल अ फीलिंग इट एकदम, देखिए चॉकलेट अभी पर देखते से लिंगो टिंगे पड़ा ना लगे, जे दरवाजा खुला से सही है। अच्छा क्या बोली तू हिंदी में बता? अरे मैंने, मेरे को ऐसा लगा कि हमारा जो नीचे देखा तो चौखट के बाहर है। हाँ, VVIP फीलिंग, पैर वैर ना लग जाए, VVIP फीलिंग आ रही थी ना, सब पीछे खड़े थे, हम लोग सब आगे खड़े थे, पंडित। यहाँ पे ऐसा है कि ये भस्म आरती लेडीज़ लोग, महिलाएं देखती नहीं है, अगर देखती हैं तो फिर या तो आंखें बंद कर देती हैं जिस समय भस्म आरती होती है उस समय, जैसे शिव जी को भस्म आरती करवाते हैं, और या फिर सिर पे पल्लो रखना पड़ता है ताकि मान रखा जाए उस चीज़ का, तो सही है, ये चीज़ पता नहीं थी हमें, पर कल सुबह तो हम लोग आएंगे देखने के लिए। क्या बोल रहे थे? अरे वो लास्ट में जब क्या बोलते हैं शिव जी का पूजा करने को लाइट बंद करते हैं, नेचुरल रोशनी में। हाँ नेचुरल रोशनी में, खाली दिया की रोशनी, और उसमें होता भी है। सही है, और उसमें होता भी है ना कि एक अलग ही उसमें ऊर्जा होती है ना, इस वजह से वो लाइट्स आती है। किस चीज़ से सजाया गया था शिव जी को? लिंग तो वैसे तो नॉर्मल है, पर उसको आँखें, हाँ ड्राई फ्रूट से, और उस समय बोलते हैं जब वो जो भी पंडित सजा रहा होता है उसके मन की स्थिति के हिसाब से वो शिव जी की वो बनते हैं मूर्ति। अच्छा भाव बनते हैं ऐसा, सही है ना, ड्राई फ्रूट्स भांग ये सब से सजाया जाता है, उसके बाद कुछ देर बाद ही फिर उनको फिर साफ किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, नहलाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। वो क्या छिड़का रहे थे? इत्र? नहीं नहीं नहीं, भस्म नहीं, लास्ट में साफ करने के बाद सेंट, नहीं हाँ नहाने के बाद हम लोग जैसे वो लगाते हैं ना डीओ, उस टाइप का, भगवान जी को भी डीओ लगाया था। गाइज मैं आपको ना फ़ोन में जज नहीं कर पाऊँगी, नहीं बता पाऊँगी कितना सुंदर है, आपको आना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कैमरा कांट जस्टिफाई, यस कैमरा कांट जस्टिफाई।
आधा अधूरा ज्ञान था हमें कि हमने सोचा था 4 बजे आएंगे और भस्म आरती देखेंगे, जो कि भस्म से शिवलिंग को नहलाया जाता है। तो हमें नहीं पता था कि 15 दिन पहले यहाँ बुक करना पड़ता है, तो इस बार तो नहीं देख पाए, अगली बार ज़रूर आएंगे। 10 बजने को बस 6 मिनट बचा है तो पट बंद होने का, दरवाज़ा बंद होने की आरती होने वाली है, तो वो आरती हम लोग देखने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूँ, इस जगह का नाम है पाताल लोक, और यहाँ पे पाताल लोक में ये सारे दर्शन जो आपने किए पाताल लोक के किए। अंदर तो जा नहीं पाएंगे, यहीं से स्क्रीन में देख ले रहे हैं। ये अभी सफाई चल रही है महाकाल जी की, और अब इसको बंद करेंगे दरवाजे को। यह है शंख द्वार में, के लैंग्वेज में गुपचुप को पानी बताशे बोलते हैं, तो अभी गुपचुप गुटका नहीं, तो ये पानी बताशे टेस्ट करते हैं। शुभ के पापा ने जैसे ही बोला पानी बताशे खाना, मैंने बोला पानी के साथ बताशे कैसे खाते, पता चला गुपचुप है। गुपचुप खाने के बाद पापड़ी खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। कैसा था टेस्ट? पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो पानी फेंक के खाती है ना खाना, लकड़ी है। गुपचुप खाने के बाद पापड़ी खाने में एक अलग ही मज़ा आता है ना, जब तक पापड़ी ना खाता ऐसा लगता है कि गुपचुप नहीं खाया पूरा नहीं। गाइज अभी बज रहे हैं 12:30, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।